हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिलेक्ट। दिस इज मी अंशिका। सो फ्रेंड्स, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को फिर से अच्छे से रिवाइज करें। तो यहाँ पे एक बुक में ही बनाया हुआ है चैप्टर एट ग्लांस, मतलब ग्लांस मतलब कि आप पूरे चैप्टर को वन टर्म में, मतलब सिंपल वे में आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चैप्टर लिया है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो लेट्स स्टार्ट। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, सो वट इज करेंट? करेंट मीन्स, यू कैन सिंपली से इन वन वर्ड, करेंट मीन्स अ फ्लो। फ्लो फ्लो मीन्स इन अ मटेरियल, मटेरियल में जब आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूव्स होता है, फ्लोज होता है, तो वो फ्लो है हमारा, ठीक है, करेंट का। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक करेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल। जो इलेक्ट्रिक करेंट है आपका, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट का यहाँ पर मतलब है कि जो आपका कोई भी मटेरियल है, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की आपकी पोजीशन है, वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, सारे के सारे आपके एक डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में है आपके इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा, उसमें आपका इलेक्ट्रिक करेंट नहीं है, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट को आप अच्छे से इस फिगर से भी समझ सकते हैं। ये आपका एक मटेरियल, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन देखिए, सारे के सारे इस डायरेक्शन में मूव है, तो इसका मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करेंट, मतलब कि इसमें आपका इलेक्ट्रिक करेंट होगा। और एक सेकेंड मटेरियल आप सपोज कीजिए, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स इसमें जो आपका डज नॉट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करेंट, आपका इसमें इलेक्ट्रिक करेंट नहीं होगा। तो इस फिगर से आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लो इन अ कंडक्टर इज अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। यहाँ पे आपका बोल रहा है कि अगर ये एक आपका कंडक्टर है, ठीक है, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, कंडक्टर मतलब वही होता है, तो यहाँ पे आपका बात कर रहा है डायरेक्शंस के बारे में। तो जो करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, किसके अपोजिट होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं आपके, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट इज एम्पियर डिनोटेड बाई कैपिटल ए। सो एसआई यूनिट ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर। नेक्स्ट, एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं, और उसका एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट आपका है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर, एज यू नो, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फ्रीली होता है, तो वो आपका कंडक्टर होता है, और जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, तो वो आपका इंसुलेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी और सेल दैट मेक्स द चार्ज टू फ्लो इन अ सर्किट। बैटरी और सेल, यू नो, बैटरी और सेल इज द स्टोर हाउस ऑफ चार्जेस। चार्जेस का स्टोर हाउस है आपका बैटरी और सेल, ठीक है। तो बैटरी और सेल जो है वो, उसका सर्किट में जो चार्जेस फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बैटरी में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जिसके कारण उसमें चार्जेस फ्लो होते हैं। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट वी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट आपका क्या होता है? वोल्ट, इसको डिनोटेड बाय कैपिटल वी। ईच वोल्टेज हैज टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पार्ट कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ द वोल्टेज सोर्स। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट आपका एक कंप्लीट कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है, मतलब उसमें से कंटिन्यूअस मतलब उसमें लगातार करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है, कनेक्टेड किससे रहता है, किससे कनेक्ट रहता है? दो टर्मिनल से कनेक्ट रहता है, जिससे आपका वोल्टेज सोर्स है उसके टू टर्मिनल से आपका कनेक्ट रहता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सर्किट डायग्राम आर अ पिक्टोरियल वे ऑफ शोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग डायग्राम शो करते हैं, किस डायग्राम से? सर्किट डायग्राम से, ठीक है। इन अ सर्किट डायग्राम एवरी पार्ट ऑफ एक्चुअल सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इक्विवेलेंट सिंबल। तो सिंबल सारे आपको याद है ना, तो सिंबल से ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक जो आपका सर्किट डायग्राम होता है वो हम सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? मतलब कि जो मटेरियल है जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको अपोज करता है, मतलब क्या करता है? रोकता है, ठीक है, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम, एंड डिनोटेड बाय दिस सिंबल। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस आर यूज टू लिमिट द वैल्यू ऑफ करेंट टू द डिजायर्ड वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? वो लिमिट करता है, किसको लिमिट करता है? करेंट का वैल्यू, किसको लिमिट करता है? वैल्यू ऑफ करेंट, करेंट का जो वैल्यू होता है उसको लिमिट करता है रेजिस्टेंस आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस अनडिजायरेबल हीट विच प्रोड्यूसेस अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कंडक्टिंग वायर। तो जो रेजिस्टेंस है आपका वो बहुत ज़्यादा अनडिजायरेबल
हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से आपका जो वायर्स होता है हमारा, उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वायर्स का, वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है बिकॉज ऑफ अनडिजायरेबल हीट, ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करेंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्टेज बिटवीन इट्स इन। तो ये आपका गिवन फॉर्मूला बन के आएगा, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका वोल्टेज वी का, तो आर जो है यहाँ पे वो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बन जाता है, तो वी इज इक्वल टू आई आर, आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, ठीक है। तो द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज गिवन बाई 1/r, वेयर r इज कॉल्ड, r को आप क्या बोलते हैं, जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको आप लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दी सब्सटेंस, रेजिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज r इज इक्वल टू रो l अपॉन a, वेयर रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सो ये आपका एक गिवन फॉर्मूला बन के आता, एक फॉर्मूला बन के आता है, जो आर आपका है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रो जो है आपका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे यूज हुआ है, इसको आप लोग बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। एल जो है वो आपका लेंथ है और ए जो है वो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आपका ये होता है, कंडक्टर्स आर लो रेजिस्टिविटी मटेरियल। कंडक्टर्स आपके क्या होते हैं, लो रेजिस्टिविटी के होते हैं, ठीक है। एन अलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ विच एटलीस्ट वन एलिमेंट इज अ मेटल। तो अलॉय क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, टू थ्री या फोर मोर एलिमेंट्स का आपका कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कम से कम एक आपका जो है वो एक मेटल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अलॉयज आर मोस्टली यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस एज यू डू नॉट ऑक्सीडाइज ईजली इवन एट हाई टेम्परेचर। जो आपका अलॉयज होता है उसको ज़्यादातर कब यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज। इलेक्ट्रिकल जो आपका हीटिंग डिवाइसेज होता है उसको बनाने के लिए हम लोग अलॉय का यूज़ करते हैं, जो आपका ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर जब होगा तब वो ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ठीक है, इसलिए हम अलॉय का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इंसुलेटर और मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। तो इंसुलेटर जो है उसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, और जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टिविटी आपका लो होता है, ठीक है, आपको याद रखना। सेमी कंडक्टर ऑफ द मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी इज मॉडरेट एंड लाइज बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सेमी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होता है आपका, वो मॉडरेट होता है, ठीक है, और वो लाई करता है किसके बीच में, लाई करता है आपका रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। नेक्स्ट है आपका, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर मोस्ट वेल नोन एंड एक्सटेंसिवली यूज सेमी कंडक्टर। तो आपको अगर टू सेमी कंडक्टर एग्जाम में पूछेगा तो आप एक ये याद रख सकते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जो कि आपका मोस्ट वेल नोन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी को लोग जानते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो ये कुछ आपके गिवन फॉर्मूलाज है बुक में ही। चार्ज इज इक्वल टू आपका क्या होता है, करेंट इंटू टाइम। चार्ज को आप क्यू से डिनोट करते हैं, करेंट को आई से, टाइम टी से, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, वर्क अपॉन चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस को वी से और वर्क को डब्ल्यू से और चार्ज को क्यू से। तो वोल्टेज आपका क्या होता है, करेंट इंटू रेजिस्टेंस, वी इज इक्वल टू आई आर। रो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। रो आपका रेजिस्टिविटी, एल आपका लेंथ ऑफ मटेरियल, ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। आई होप इस वीडियो से आपका कुछ तो थोड़ा बहुत हेल्प हो, ठीक है।